यह आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर प्रस्तुत है उनके कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक आजाद रोशनी, आजाद क्षितिज। आलेख इष्टदेव सांकृत्यायन। प्रस्तुतकर्ता डॉ. संजय सिंह वर्मा। ऑर्डर ऑर्डर, मौलाना आजाद हाजिर हो। मौलाना आजाद हाजिर हैं। ऑर्डर ऑर्डर, मौलाना आजाद, आप पर यह संगीन आरोप है कि आपने हुकूमत ब्रिटानिया को जालिम कहा है, उसके खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और उन्हें बगावत के लिए उकसाया है। श्रीमान मजिस्ट्रेट, मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद एक सत्याग्रही हूं, लेकिन आपके लगाए आरोपों का जवाब मैं जरूर दूंगा और उसी सिलसिले में यह मेरा तहरीरी बयान है। मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है, इसे पढ़कर सुनाओ। मैंने बिल्कुल ऐसा कहा था कि यह सरकार जालिम है। आप ही बताइए कि अगर मैं ये न कहूं तो और क्या कहूं। आजादी हमारा मौलिक अधिकार है, खुदा की और कुदरत की ओर से दी हुई। किसी इंसान, किसी सरकार, किसी नौकरशाही को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो किसी इंसान से यह हक छीन कर उसे गुलाम बनाए और उस पर अपना हुक्म चलाए। आपकी सरकार ऐसा कर रही है और इसीलिए मैं इसे जालिम कहता हूं, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने ये बात ना की हो। और अगर यह अपराध है तो यह अपराध मैंने बार बार किया है, लगातार किया है। बल्कि सच तो यह है कि पिछले कई सालों से मैंने इस अपराध के अलावा कुछ और किया ही नहीं है। और जब तक आप हमारे मुल्क को छोड़कर चले नहीं जाते, हमें आजाद नहीं कर देते, मैं इस अपराध के अलावा कोई और काम करूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं। न एक हाथ शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। न एक हाथ शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। न एक हाथ शस्त्र। जी हाँ, अपने इरादों, अपने हौसलों और अपने दिल से ऐसे ही मजबूत और ऐसे ही पुरअसर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। बात चाहे देश की स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष की रही हो, या पेचीदा राजनैतिक मसलों, या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की, मौलाना हमेशा किसी भी बात के सभी पक्षों पर सोच समझकर फिर एक स्पष्ट राय रखते थे। मौलाना जब पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1923 में, वो बहुत ही कठिन दौर था। ये वो दौर था जब दक्षिण में मालाबार और उत्तर में जलियांवाला बाग जैसी नरसंहार की तरासत घटनाएं हो चुकी थी। जालियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हुआ अप्रैल महीने में 1919 में, उसमें आप सभी को पता है बहुत लोग मारे गए। तो उसके भी विरोध में मौलाना आजाद खड़े हुए, कांग्रेस का रेजोल्यूशन हुआ उसको, और यहां से मौलाना आजाद की एंट्री इंडियन पॉलिटिक्स में शुरू हुई। ये थे इतिहासकार प्रोफेसर जे एन सिन्हा। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना के सामने कई चुनौतियां थीं। एक तरफ कांग्रेस को एकजुट रखना,
दूसरी तरफ देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और सबसे बढ़कर अंग्रेजों के नए नए पैतरों वाले वाकजाल से बचना। उस समय भारत के कई शहरों में हुआ शांतिपूर्ण ध्वज सत्याग्रह आपके ही नेतृत्व में हुआ। 1930 में जब नमक पर लगाए गए कर के विरोध में दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने धरासाना सत्याग्रह शुरू किया, उस समय इसका पूरा संयोजन मौलाना आजाद ने ही किया। इतिहासकार प्रोफेसर जे एन सिन्हा के अनुसार, जब दांडी मार्च खत्म हुआ तो उसके बाद वहां से लोग बिखरने लगे और अंग्रेजों की जो अज्ञाति थी वो तो दांडी मार्च में देखी गई। उस हालत में किसी आंदोलन को चालू रखना बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन दरसाना में जाकर के मौलाना आजाद ने उसको लीड किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग अरेस्ट हुए, वहां पर जेल गए वो लोग। तो उसका दरसाना का ये महत्व है कि जिस क्राइसिस के फेज में ये फिजल आउट होने की बात थी उसको उन्होंने जिंदा किया। 1940 में जब वो रामगढ़ अधिवेशन के बाद दूसरे दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब चुनौतियां पहले से और भी कड़ी हो चुकी थीं। इतिहासकार प्रोफेसर मक्खनलाल, 1940 में उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। हर साल एक नया प्रेसिडेंट चुना जाता था, लेकिन जब तक नया प्रेसिडेंट चुना जाता 1942 का आंदोलन शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि सारे लीडर्स या तो भूमिगत हो गए या वो जेलों में भर दिए गए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी या कांग्रेस जनरल मीटिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसका नतीजा ये हुआ कि मौलाना आजाद बराबर 5-5.5 वर्षों तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। और इसी दरमियान बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। पहली बार वर्ल्ड वार चली रहा था, वर्ल्ड वार में साफ हो गया था कि जर्मनी के हारने के बाद इंग्लैंड की जो हालत हुई, अमेरिका और रशिया का जो दबाव था, उसके अलावा आज़ाद हिंद फौज ने जो नए तरह की समस्याएं खड़ी कर दी थी अंग्रेजों के सामने, ये बिल्कुल निश्चित हो गया था कि देश की आज़ादी दूर नहीं है। और उस दिशा में अंग्रेजों ने भी साफ तौर पे दिखाया, चाहे वो स्टाफोर्ड क्रिस्प मिशन हो चाहे कैबिनेट मिशन हो, बार बार उन्होंने ये भेजा बड़े पावरफुल डेलीगेशन कि हम आपकी मांग से, आपकी डिमांड से परिचित हैं। और इन सब के दौरान मौलाना आज़ाद कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत के नाते उन्होंने ही सारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया और बहुत सही रास्ते पर लेकर चले। मौलाना आज़ाद आखिर तक भारत को एक बनाए रखने का प्रयास करते रहे और इसके लिए वो मुस्लिम लीग और उसके समर्थकों की कड़ी आलोचना, यहाँ तक कि निंदा के भी शिकार होते रहे। सन 1940 में एक तरफ तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। इसी लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग का संकल्प पारित हो गया। तब मौलाना ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों सबसे पहले भारतीय हैं और ये सबका पहला कर्तव्य है कि वो भारत की एकता और अखंडता को बचाएं। ये एक ऐसा समय था जब कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद जैसे प्रमुख नेताओं के बीच कई दौर की बहसों के बाद आखिरकार तय किया गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू ही कर दिया जाए। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से इसकी शुरुआत की औपचारिक घोषणा भी हो गई। हालांकि इसके 2 दिन बाद ही न केवल आजाद बल्कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को तो पुणे में ही आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन मौलाना आजाद और अन्य कांग्रेसी नेताओं को अहमदनगर ले जाया गया। सन 1946 में ही भारत में कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी। नेहरू के नेतृत्व में बनी इस सरकार में मौलाना आजाद ने शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाला। इसी बीच जिन्ना ने भारत माता के टुकड़े कर पाकिस्तान बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद ही देश भर में
सांप्रदायिक हिंसा की जो आग भड़की उसने सभी के दिल दिमाग को झकझोर कर रख दिया। इस दौर में मौलाना आजाद ने जो प्रयास किए वो अविस्मरणीय हैं। आइए जानते हैं प्रोफेसर जे एन सिन्हा से। 1940 का दशक था, वो काफी उथल पुथल कॉम्युनल राइट था। इसी समय बंगाल का भयंकर अकाल था, पूरे इतिहास में बड़ा अकाल था। उस हालत में जनता को और कॉम्युनल राइट्स के बीच में एक पूरे नेशन को एक सही रास्ते पर ले चलना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। ये भी ख्याल करें कि इस पीरियड में गांधी जी थोड़ा विमुख हो गए थे। उनका कारण था विमुख होने का, उनको ये लग रहा था कि हमारे तो इच्छा के खिलाफ ये पार्टीशन हो रहा है, इसलिए वो बहुत इंटरफेयर नहीं करते थे। ऑफकोर्स वो राइट हीट इलाके में गांधी जी भी गए, लेकिन मौलाना आजाद भी भ्रमण करते रहे और उन इलाकों में भी गए जहां पर कॉम्युनल राइट की बहुत पॉसिबिलिटी थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों को उन्होंने शांत किया। तो आज सुनकर ये बात सिंपल सी लगती है, लेकिन सोचिए कि जहां पर एक दूसरे की जान लेने की बात थी, उनकी भी जान कभी भी जा सकती थी, लेकिन डेयर किया, खुद ट्रैवल करते रहे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद आपने कहा, जब तक कि आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में। आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ हो, परेशानी होती थी, आप उनके आगे मजबूर होते थे कि अपना हाथ बढ़ाएं। लेकिन आज वो नहीं है, आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं। और अगर आप मालिक हैं और मैदान में खड़े हुए हैं तो यह याद रखिए कि तरह तरह की आजमाइशें पेश आएंगी। कोई भी नहीं चाहता कि अपने को आजमाइश में डाले, कोई भी नहीं चाहता कि गमों और दुखों में अपने को डाले। लेकिन अगर हमने जिम्मेदारी का बोझ उठाया है तो तरह तरह की परेशानियां हमें पेश आएंगी। अगर हम मैदान में दौड़ रहे हैं तो कदम कदम पर हमको ठोकरों से दोचार होना पड़ेगा। उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे हमें उकताना नहीं चाहिए। मर्द बनकर उन तमाम जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए और उन परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा। ये तो थी मौलाना आजाद के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सीधे योगदान की झलक। लेकिन अभी इस अजीम शख्सियत की जिंदगी के कई पक्षों पर चर्चा बाकी है। राजनीति की दुनिया में मौलाना आजाद का पदार्पण खिलाफत के रास्ते ही हुआ था। जो वाइडर पब्लिक लाइफ उनका शुरू हुआ वो खिलाफत मूवमेंट के साथ शुरू हुआ 1916 के आसपास से, और मौलाना आजाद भी उसमें शरीक हुए कि ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज करने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये गांधी जी के लिए भी एक अच्छा मौका था कि मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए इस मुद्दा पर हम लोग काम करें। ये थे प्रोफेसर जे एन सिन्हा। गांधी जी के सत्याग्रह और मौलाना के खिलाफत मूवमेंट के बीच आपसी सहयोग के इसी दौर में मौलाना गांधी जी के निकट आए। जल्दी ही वे गांधी जी के सर्वाधिक विश्वास पात्र लोगों में से एक हो गए। वो कांग्रेस कमेटी में शामिल हो गए। वो कांग्रेस और खिलाफत के बीच समन्वय करने वाली ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बना दिए गए। पहले से ही सादगी के आदि मौलाना को गांधी जी के उसूलों को समझने और अपनाने में देर नहीं लगी। यहाँ आकर वे चरखा चलाकर अपने लिए खुद सूत कातना भी सीख गए। चरखा चला चला के, चरखा चला चला के, लेंगे स्वराज लेंगे, 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 चरखा चला चला के, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। मौलाना की सादगी के बारे में आइए जानते हैं मौलाना के संबंधी
और वरिष्ठ पत्रकार फिरोज बख्त अहमद से। देखिए, बड़े सादा मिजाज आदमी थे मौलाना आजाद। उनके किचन के अंदर जब मेहमान आते थे, छह जो कप थे प्यालियां चाय की, वो एक जैसी नहीं मिल पाती थी। जब मौलाना आजाद किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन में जा रहे थे तकरीर करने, उन्होंने कहा उनके ये ने कि जो आपकी शेरवानी है इस पे पेबन लगा है। तो मौलाना मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि मेरी शेरवानी कोई नहीं देखेगा, लोग मेरी तकरीर सुनेंगे। पत्रकारिता मौलाना के रक्त में थी। अखबार को वो सशक्त माध्यम मानते थे। पंडित जी, लगता है आप आज कुछ संजीदा चर्चा मुझसे करना चाह रहे हैं। मौलाना आजाद। जी जी, कहिए। आप बार बार मुस्लिम बुद्धिजीवियों की इतनी तीखी आलोचना क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या गलत किया है उन्होंने? क्यों, क्या आपको नहीं मालूम? बस यही ना कि वो कांग्रेस को शक की नजर से देखते हैं और गाहे बगाहे आलोचना करते रहते हैं। ये बस है, आपको पता भी है कि इससे देश में और हुकूमत को क्या संदेश जा रहा है। तो क्या करेंगे? गांधी जी से मेरी बात हो गई है, एक और अखबार निकालने का मन मैंने बना लिया है। एक और अखबार? आप और आपकी सहाफत, आपको पता भी है बतौर संपादक आपका नाम देखते ही वो अखबार हुकूमत की नजर में चढ़ जाएगा। नहीं, इस बार संपादक मैं नहीं बनूंगा। फिर कौन होगा? अब्दुल रजाक मलिहाबादी। अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन बड़ी सावधानी से। देखते हैं, लेकिन अखबार तो जरूर निकलेगा। अल हिलाल वो अखबार था जो मौलाना ने सन 1912 में मात्र 21 साल की उम्र में निकाला था और जिसके नाते ही उन्हें रांची में पूरे 3.5 साल की नजरबंदी झेलनी पड़ी थी। अपने मूल रूप में रांची में नजरबंदी ही वो कारण है जो सहाफत यानी पत्रकारिता के जरिए खिलाफत से सियासत तक पहुंचने में उनकी मददगार साबित हुई। वैसे पत्रकारिता से उनका ये कोई नया रिश्ता नहीं था। इसकी शुरुआत आपने 11-12 साल की उम्र से ही मुहिउद्दीन नाम से कई अखबारों पत्रिकाओं में कर दी थी। इनमें प्रमुख थे मखजन, एहसानुल अखबार और खदंगे नजर। करीब 15 साल की उम्र में सन 1903 में उन्होंने एक और मासिक पत्रिका निकाली थी, लिसानुस सिद्क। हम देखते हैं कि वो एक तरह से पैदाइशी तौर पे एक बड़े ही जबरदस्त मुजाहिदे आज़ादी भी हैं और उनमें एक लोगों में आज़ादी का जोत जगाने और उनको इंस्पायर करने की बड़ी सलाहियत है। मिसाल के तौर पे 1900 में मेरे ख्याल से जब वो सिर्फ 12 साल के थे तो उन्होंने लिसानु सिद्क के नाम से एक मैगजीन शुरू की और जिससे सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स मुतासिर थे। और जब वो सिर्फ 16 साल के एक नौजवान हैं तो उन्हें लाहौर में बुलाया गया और उन्हें खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया उन लोगों के साथ जो उस जमाने की बड़ी शख्सियत थी। मिसाल के तौर पर मौलाना हाली बहुत बड़ी शख्सियत थे और अल्लामा इकबाल, और वहाँ पे इनको बुलाया गया और सब ये सोचते थे कि कोई बड़ी उम्र के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो जब उन्होंने वहाँ पे अपनी तकरीर की तो सबको बड़ी हैरत हुई। उसी तरह से आप देखें, अल हिलाल ने एक पूरे मुल्क के बहुत बड़े जेनरेशन को मुतासिर किया है। 1912 में वो निकालते हैं, वो खुद एक नौजवान है 22-23 साल के, और हम बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स देखते हैं उस जमाने के बहुत बड़े बड़े लोगों के। मिसाल के तौर पे खान अब्दुल गफ्फार कहते हैं, हमने बचपन में जो आज़ादी का पाठ पढ़ा वो अल हिलाल से पढ़ा और इसका इतना असर था कि आप सोचे कि पूरे मुल्क में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में उनकी तहरीरों से एक आज़ादी का एक शोला चल पड़ा। ये थे प्रोफेसर अखलाक आहन, नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर। जुलाई 1908 में वो सचमुच एक आजाद परिंदे की तरह बहुत लंबे सफर पर निकल पड़े। ये सफर एक तरह से मौलाना के लिए जानकारियों और अनुभवों का खजाना साबित हुआ। पहले से ही क्रांति चेता मौलाना की इस यात्रा पर एक नजरिया इतिहासकार प्रोफेसर जेएन सिन्हा का। उन्होंने विदेशों का दौरा किया, खास करके मुस्लिम कंट्री का, इजिप्ट वगैरह का, जो बालकन का इलाका है, टर्किश एम्पायर, और वहां पर गए।
तो वो इसलिए नहीं गए थे कि वो बहुत रिलीजियस थे इसलिए अरबियन कंट्री गए, बल्कि वो ये देखना चाह रहे थे कि दुनिया में अभी ब्रिटिश एम्पायर के प्रति और वहाँ के राजाओं के प्रति लोगों का क्या एटीट्यूड है। और जब वहाँ गए तो उनके संपर्क रेवोल्यूशनरी से हुए, कई कंट्री में फ्रांस वगैरह भी गए हो, और वहाँ से जब लौटे तो वो बहुत हद तक क्लियरली एंटी ब्रिटिश हो गए थे वो, और उनको अपने नेशनलिज्म में गर्व होने लगा था और उनको ये लगा कि आज़ादी बहुत ही जरूरी बात है, होना चाहिए। अंग्रेजों से देश को आजाद कराना उन्हें अनिवार्य लगने लगा था। लेकिन अंततः मौलाना ने जो रास्ता चुना वो सीधे राजनीति के बजाय पत्रकारिता के जरिए जन जागरण था। असल में मौलाना की पहली पसंद पढ़ना लिखना ही था। आइए जानते हैं इस बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अनवर पाशा से। उन्होंने अलहलाल और अलबलाग दो ऐसे अखबार निकाले जिनके जरिए आजादी के लिए अवाम के दिलों में जोश और एतमाद पैदा करने का काम किया, तो साथ ही साथ समाज में मौजूद बुराइयों, फिरकावारियत, भेदभाव वगैरह को खत्म करने के लिए भी उन्होंने जी जान से कोशिश की। लिखते रहे मुसलसल अपने अखबारों में, अपनी तकरीरों में इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उनका इस बात पर अटूट ईमान था कि हिंदुस्तानी अवाम के अंदर इत्तेहाद और भाईचारे के बिना आजादी हासिल नहीं की जा सकती और न ही आजाद भारत को एक मजबूत मुल्क बनाया जा सकता है। इसलिए वो पूरी जिंदगी अपने इस मिशन पर काम करते रहे। अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें जेल की सलाखों में बंद किया, उनके अखबार को जब्त कर लिया, लेकिन वो झुके नहीं, पूरी कुव्वत के साथ अंग्रेजों की पॉलिसियों के खिलाफ लड़ते रहे। पढ़ने लिखने की उनकी प्रवृत्ति ही थी जिसके कारण भारत के पूरी तरह स्वतंत्र होने से पहले सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में ही उन्हें शिक्षा मंत्री का दायित्व सौंप दिया गया और उसी समय से उन्होंने अपने सपनों के नए भारत के निर्माण की दिशा में पहल शुरू कर दी। इसीलिए आगे भी, यानी देश के पूरी तरह स्वतंत्र होने पर भी, भारत के शिक्षा मंत्री का दायित्व मौलाना आजाद ने ही संभाला। उनका ये दायित्व जीवन पर्यंत बना रहा। दिलचस्प होगा इस पर प्रोफेसर अखलाक आहन का नजरिया जानना। हैरत होती है कि जो एक रवायती, जो उनकी एक शख्सियत बज़ाहिर नजर आती है, उन्होंने IIT की बुनियाद रखी, उन्होंने साहित्य अकेडमी की बुनियाद रखी, उन्होंने ललित कला अकेडमी की बुनियाद रखी, तो हम ये देखते हैं कि तालीम का जो उनका तसव्वुर है और तालीम के हवाले से वो बड़ा ही वसी है, जहाँ पे साइंस भी है, आर्ट भी है, मौसीकी भी है और सोशल साइंस भी है, अदबियात भी है, तो वो इन तमाम नज़ाकतों को बड़ी गहराई से समझते थे। शिक्षा मौलाना आज़ाद की नज़र में कितनी महत्वपूर्ण थी ये उन्हीं की जबानी। स्कूल और कॉलेज हमें इल्म का घर नहीं देते, इल्म के घर के दरवाजे पर खड़ा कर देते, लेकिन इल्म का घर कहाँ है? वो दरअसल कुतुबखाना। कुतुबखाने से मकसूद यह है, कुतुबखाने के सर्विस से मकसूद यह है कि एक मुल्क को उसकी हालत और जरूरत के मुताबिक और किताबों के जो पढ़ने वाले हैं उनकी हालत के मुताबिक जिस तरह का लिटरेचर, जिस तरह की किताबें चाहिए, उन किताबों का इंतजाम करें और फिर कोशिश करें कि वो किताबें ज्यादा से ज्यादा हाथों में पहुंच जाए। ये कोई अकारण नहीं था। वास्तव में शिक्षा ही वो चीज है जो उन्हें सही माने में विरासत में मिली थी। फिरोज बख्त अहमद। देखिए, मौलाना की जो पैदाइश हुई थी वो अब 11 नवंबर 1888 मक्का के अंदर हुई थी। उनके जो वालिद थे मौलाना खैरुद्दीन, बड़े जाने माने वो आलिम थे, फाजिल थे। इसके अलावा वो बहुत अच्छे एक ऐसे नेता थे जो सही मानों में जो सही मार्गदर्शन लोगों का किया करते थे। तो मौलाना शुरू से मेधावी थे, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी उनकी थी। कलम के वो बहुत बड़े, समझिए कि एक
मुजाहिद थे, बहुत बढ़िया लिखते थे, चाहे वो उर्दू हो, पर्शियन हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, बाद में बहुत जल्दी सीख गए थे। असल में पढ़ना लिखना ही उनकी मूलभूत प्रकृति थी और इसीलिए जेल में रहते हुए भी उन्होंने निरर्थक चर्चाओं से दूर रहते हुए अपने लिए मुख्य रूप से दो काम चुने थे। वो थे साथी कैदियों को पढ़ाना तथा खुद पढ़ना और लिखना। गुबारे खातिर वास्तव में उसी दौर में जेल में रहते हुए लिखी गई उनकी चिट्ठियों का एक संग्रह है। गुबारे खातिर बज़ाहिर तो वो खतूत हैं, एक तरह से खुद कलामी है अपने एक दोस्त के नाम, जो अलीगढ़ के करीब बेगमपुर के रईस थे शेरवानी साहब, उनके नाम उन्होंने वो खतूत लिखे हैं। लेकिन उन खतूत में अफसाने भी हैं, फलसफियाना बातें भी हैं और अदबी चाशनी भी है। उसमें लातादाद अरबी, फारसी और उर्दू के अशार आपको मिल जाते हैं और चिड़िया चिड़े की कहानी जैसे अफसाने भी उसमें मिल जाते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें अफसाना कहा है, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि मौलाना आज़ाद की इस किताब के आने के बाद, इस किताब के शाये होने के बाद ही लोगों के जहन में ये बात आई कि अफसाने भी खतूत की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। तो ये इस लिहाज से एक अजीमुल मुर्तबत शख्सियत थे। अब आप देखिए कि पहली बार UGC यानी बहसियत माहिर तालीम के अगर आप देखते हैं तो UGC उन्होंने कायम की, उन्होंने कल्चरल काउंसिल उन्होंने कायम की, साहित्य अकेडमी उन्होंने कायम की और हर एक पर ज़ाती तौर से नज़र रखते थे। ये थे उर्दू के जाने माने कवि और आलोचक प्रोफेसर खालिद अलवी। इतिहास के सिलसिले में देखें तो मौलाना की इससे भी महत्वपूर्ण कृति है इंडिया विंस फ्रीडम। उर्दू के विद्वान शमीम हनफी, जिन्होंने मौलाना की इस कृति का अनुवाद भी किया है। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया कि मौलाना ने उसका नाम तो रखा है इंडिया विंस फ्रीडम, यानी हिंदुस्तान ने आज़ादी जीती, लेकिन दरअसल वो हिंदुस्तान की फतह से ज़्यादा एक कहना चाहिए कौमी अकदार की, ये मुश्तरका अकदार की शिकस्त की कहानी भी सुनाती है। यानी किस तरीके से एक कौम जो मुत्तहिद थी, जिसका इतिहास हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी तफरीक के बगैर, रंग नस्ल मजहब किसी तरह की तफरीक नहीं थी, एक था, वो किस तरह पारा पारा हो गई। और मौलाना ने वो किताब एक बहुत ही उदासी के आलम में, यानी गोया कि एक बहुत ही मलाल की कैफियत के साथ ये किताब लिखी है। कभी कभी तो उसका तर्जुमा करते वक्त मुझे ख्याल आता था कि मौलाना ने शायद अपने आंसू रोक करके ये हिस्से डिक्टेट करवाए होंगे हुमायूं कबीर को। हमारे देश के प्रति आपके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 1992 में आपको मरणोपरांत देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विभाजन का कांटा मौलाना आजाद के अस्तित्व में इस तरह चुभा कि इसके दर्द से वे कभी खुद को मुक्त नहीं कर सके और आखिरकार इस शायर मिजाज सहाफी और इंकलाबी सियासतदान ने 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में आखिरी सांस ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजाद रोशनी, आजाद क्षितिज, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख इष्टदेव सांकृत्यायन, वाचक स्वर राजश्री त्रिवेदी और नौमान शौक, नाट्यांश स्वर मनोज माइंडकर, विनोद कुमार, नवीन कुमार गुप्ता और मुरारी लाल, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुति सहायक हरदीप सिंह और धीरज कुमार सोनी, प्रस्तुतकर्ता डॉ संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।